अरे भाई रिहान, आज कौन सा गेम खेलें? तू बता। अरे भाई मुझे क्या पता यार, तू बता। अगर मार्केट में कोई नया गेम आया है तो बता, चल के खरीद लेते हैं अभी उसे। अरे हाँ रिहान भाई, मार्केट में एक नया गेम आया है GTA 5, पर बहुत महंगा गेम है यार, खरीदने में बहुत पैसा लगेगा उसे। अरे भाई तूने फिर कर दी ना छोटी बात, पैसे की क्या टेंशन है, अपने जैज भाई है ना, अगर उनको जाके बोलूंगा तो गेम क्या गेम की पूरी दुकान खरीद के दे देंगे मुझे। अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, वक्त आते फिर देख लेंगे आखिर क्या क्या कर सकते हैं पहले तेरे जैज भाई। अबे ये क्या, पीछे देख रियान, ये लोग कौन है? कौन? अरे ये क्या, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ काम है क्या आप लोग को हमसे? हमको काम तेरे से नहीं तेरे भाई से है, पर क्या करें, उस साले से सीधे नहीं टकरा सकते ना, इसलिए तेरे पास आना पड़ा। आखिर बात क्या है, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे भैया से? कुछ ना, बहुत प्रॉब्लम है हम लोग को तेरे भैया से, बहुत पैसा है ना साले के पास, तो बोल उसको कि अपना पैसा अपने ऊपर खर्चा करे, साला इन गांव वालों की मदद करने के बारे में ना सोचे, उसकी वजह से बहुत रेपुटेशन डाउन हो रहा है साला हम लोग का। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे भैया तो बस दूसरे लोग की मदद करना चाहते हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे। अबे ओ सत्यवादी चूजे, हम समझाने आए हैं, ज्यादा बहसबाजी ना कर हमसे, अपने भाई को समझा दे वरना ठीक ना होगा उसके लिए। लगता है आप लोग ठीक से जानते नहीं हो मेरे भैया को, अगर वो यहाँ आ गए ना तो फिर आप लोग के लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, बुला ले तेरे भाई को, देख लेंगे साले को। अरे नहीं वो क्या है ना, मौत तो कोई बुलाता नहीं है, मौत तो खुद चले आता है, और लीजिए आपकी मौत भी चले आई। जज भाई बहुत ज्यादा बात कर रहा था ये, हमको यहाँ धमकी देने के लिए आया है। हाँ बे हाँ, मैंने दिया धमकी, अब बता दे जज क्या कर लेगा तू? मैं हल्ला ना करूंगा फालतू की, बस अपने काम पे जोर दूंगा। तू इधर हीरो बनने आया था ना, मैं थारे को गुंडे की तरह फोड़ दूंगा। तुझे क्या लगता है बे जज, थारी बात सुन के मैं डर जाऊंगा थारे से? अबे ना बे, तू काहे डरेगा मारे से, थारी तो पहले से ही फटती है ना मारे से। अबे ओ जज अपनी जुबान संभाल के बात कर, वैसे भी तेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ा है हमको, साला हमारा पूरा रेपुटेशन खराब कर दिया तूने तो गांव वालों के सामने। अबे ओ चुज्जे, मारे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि थारे को बहुत प्रॉब्लम है मारे से, और हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन होती ही है, और हमारे दिमाग में जो थारे लिए सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन के बाद तो तू साले अपने पैरों में खड़ा तक ना हो पाएगा, तो अगर थारे को हमारा सोल्यूशन नहीं चाहिए तो निकल अपने रास्ते। नहीं जैज, लगता है तू समझा नहीं, आज हम जाने के लिए नहीं, थारे को ऊपर पहुंचाने के लिए आए हैं, जहां से तू वापस कभी नहीं आ पाएगा। अरे वाह, सपने तो घड़ी चौकी देखता है बेटा तू। सपना नहीं है जैज ये, सच है कि आज तू मरेगा, और तू मरेगा हमारे हाथों, और तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। अच्छा पर पहले खुद ने तो बचा ले दाऊ, बाद में तुम्हारी सोचना। अरे नहीं ये क्या हो गया, ठाकुर भाई तुमने ये क्या कर दिया जैज, ठाकुर भाई को क्या हो गया? अरे तू तो भाई लड़कों को निकला, तू तो चला था मारे को मारने, अब तेरा का हुआ काल लिया। अरे वाह जैज भैया बहुत बढ़िया, ये लोग मुझे डराने आए थे, मुझे धमकी दे रहे थे, पर आपने तो अकेले ही इनकी वाट लगा डाली। और नहीं तो का, तू भाई है मारा, और मारे रहते थारे को कोई डरा दे, तुम्हारा प्यार किस काम का, खैर चल अब घर चल। अरे हाँ भैया चलिए, वैसे भी भारी नींद लग रही है मारे को, जाके आराम करूँगा मैं। हाँ छोटे आराम आराम तो ठीक है, पर तू थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया कर, क्योंकि मैं थारे को एक पावरफुल आदमी के रूप में देखना चाहता हूँ, जो गरीबों की मदद कर सके। हाँ भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं खूब पढ़ूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पर फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ छोटे मारे को थारे से यही उम्मीद है कि एक दिन तो बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा और बहुत ही नाम कमाएगा, और मारे को उस दिन का बहुत ही इंतजार रहेगा। चलो थारे को तो नींद आ गई, अब मारे को हमारा काम पूरा करना है, गांव वालों के लिए कुछ करना है मारे को। अबे ओ रिहान, अबे ये क्या बे, तू तो अभी भी सो रहा है, खेलने का टाइम हो गया है बे, चल चल कर खेलते हैं। अबे अमन तू आज तो बड़े जल्दी आ गया भाई, तू चल बता क्या खेलना है आज? और क्या खेलेंगे भाई, कल की बात भूल गया क्या? GTA 5 खेलते हैं, जा जा के तेरे भाई से पैसे मांग के ला ले, फिर अपन गेम खरीद के ला लेंगे।
बस इतनी सी बात? चल ठीक है, मैं भी जाके भाई से पैसे मांग के लाता हूँ, उसके बाद खेलेंगे अपन लोग गेम। हाँ भाई जा, जाके पैसे मांग ले, पर मुझे नहीं लगता कि तेरा भाई तुझे पैसे देगा। क्या मतलब है वे तेरा, क्यों नहीं देंगे जय भैया मुझे पैसे? अबे रिहान भाई, तुझे नहीं पता क्या, तेरे भाई ने तो तुम लोग के आधे से ज्यादा पैसे गाँव वालों में बांट दिए, अब तुझे देने के लिए शायद ही पैसे होंगे उसके पास। अबे नहीं भैया अमन, ऐसा नहीं हो सकता, जयेश भाई मुझे जरूर पैसे देंगे, तू यहीं रुक, मैं अभी पैसे मांग के आता हूँ उनसे। हाँ जा, जाकर मांग ले उससे पैसे, उसके पास पैसे होंगे तब ना तुझे देगा। भैया, जयेश भैया, अरे भैया, भैया जरा सुनिए ना, मुझे आपसे थोड़ी काम थी। हाँ रिहान बोल ना, क्या हो गया भाई, क्या काम है तुझे मुझसे? भैया वो क्या है ना कि मुझे एक वीडियो गेम खेलनी थी, बहुत अच्छी वीडियो गेम है, मेरे सब दोस्त के पास है, भैया मुझे भी चाहिए, प्लीज चल के दिला दीजिए ना भैया, बहुत महंगी है पर बहुत अच्छी है भैया, प्लीज दिलवा दो। भाई मैं तुझे पढ़ाई लिखाई करने कह रहा हूँ और तू गेम की बातें कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है गेम लेने का, चुपचाप जाके पढ़ाई कर, कोई गेम नहीं लूंगा मैं तेरे लिए, जा पढ़ाई कर जाके। गाँव वालों के लिए बहुत पैसे हैं भैया आपके पास, और बात मेरी आई तो आप मना कर रहे हैं, ठीक है भैया आई हेट यू। अरे छोटे सुन मारी बात, अब इसमें कैसे समझाऊं मैं, पैसों की तंगी है इस वक्त मारे पास, गांव वालों की मदद में मैंने पूरे पैसे दे दिए और इसने वीडियो गेम खेलना है। अरे रिहान भाई तू, भाई ले आया क्या पैसे, चल चल के वीडियो गेम ले लेते हैं। अरे नहीं अमन भाई, तूने एकदम सही कहा था, भैया ने मुझे पैसे नहीं दिए, वो मुझसे प्यार नहीं करते, उनके लिए तो सिर्फ गांव वाले ही मैटर करते हैं। अरे भाई ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, पर मैंने तुझसे बोला नहीं क्योंकि तू मानता ही नहीं। यार अमन अभी मेरा मूड बहुत खराब है, तू जा अभी, हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है भाई जाता हूँ, तू आराम कर। जो कुछ भी हो आज मुझे एक बात तो समझ आ गई कि भैया मुझसे प्यार नहीं करते, उनके लिए गांव वाले मुझसे ज्यादा जरूरी है, आई हेट यू भैया। अरे भाई रिहान क्या हो गया, कल तू खेलने भी नहीं आया था, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा यार, कल से भैया ने मुझसे बात नहीं किया है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने उनसे थोड़े से तो पैसे मांगे थे और उनसे वो भी नहीं हुआ यार। देख भाई रिहान ये बात मुझे तुझसे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुझे बोल रहा हूँ क्योंकि तू मेरा एक अच्छा दोस्त है। देख जयेश भाई और तुम दोनों भाई हो, मतलब प्रॉपर्टी पे तुम दोनों का बराबर का हक है, फिर उन्हें किसने अधिकार दिया कि वो पूरी प्रॉपर्टी गांव वालों में बांट दे? भाई तेरा हक है यार, तू जाके मांग उनसे, वरना तेरे हाथ में फूटी फौड़ी भी नहीं आएगी। भाई अमन बात तो तेरी सही है, पर तू कहना क्या चाहता है, मैं कर ही क्या सकता हूँ यार, मैं छोटा हूँ, मैं जाके क्या उनसे अपना हक मांगू, उनसे बंटवारा करूँगा? हाँ भाई रिहान तुझे ये करना ही होगा, क्योंकि तू खुद देख ले इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, और तेरा भाई अगर ऐसे ही पैसे बांटता रहा तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुझे करोड़ों मिलने चाहिए लेकिन तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, अब तेरा हक तुझे खुद छीनना होगा जाके तेरे भाई से। हाँ भाई बात तो तेरी एकदम सही है, रुक अभी जाकर मैं बात करता हूँ जज भाई से इस बारे में। रिहान के लिए वीडियो गेम तो मंगवा दिया है मन ने, अब चल के मैं उसे मना भी लेता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ छोटे बोलना, क्या बोलना है थारे को, मन ने भी थारे से कुछ कहना है। नहीं भैया पहले मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरी बात ज्यादा जरूरी है। हाँ छोटे ठीक है तू पहले बोल ले। भैया देखिए पापा ने जो भी कमाया हम दोनों के लिए कमाया, ना आपके लिए ज्यादा ना मेरे लिए कम, तो फिर आपको किसने हक दिया भैया कि आप हमारी पूरी जायदाद गांव वालों में बांट देंगे? पर छोटे पापा ही ना चाहते थे कि गांव वाले भी हमेशा खुश रहें। हाँ भैया पापा चाहते थे, पर पापा ये नहीं चाहते थे कि गांव वाले खुश रहें, वो भी मेरी खुशी छीन कर। अच्छा तो का छोटे थारा वीडियो गेम उन लोग की दो वक्त की रोटी से भी ज्यादा जरूरी है? भैया मेरा वो मतलब नहीं है, पर अगर पैसा मेरा है तो जरूरत भी मेरी होनी चाहिए ना। घना बड़ा हो गया छोटे तू, चल मैं भी तो जानू आखिर तेरे दिमाग में चल का रहा है, बोल दे। भैया मेरा मतलब एकदम साफ है, आपने गांव वालों में पैसे बांटना ही है ना, तो अपना हिस्सा बांटिए, मेरा नहीं मुझे बंटवारा चाहिए। बहुत बढ़िया छोटे, घनी उच्ची बात कर दी तुमने, थारे को बंटवारा चाहिए। नहीं छोटे बंटवारा नहीं दूंगा मैं थारे को, तू सब कुछ रख ले, क्योंकि अगर मैं थारे से बंटवारा करूंगा तो फिर मेरा प्यार बुरा मान जाएगा।
अरे भैया, पर आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका भी घर है। अरे ना छोटे, मारे को ये सब नहीं चाहिए, मैं तो इनके बिना भी खुश हूँ। अगर ये सब पाके तू खुश है तो थारी खुशी में ही मारी खुशी है। मैं जा रहा हूँ, तू अपना ध्यान रखियो, कुछ जरूरत हो तो कह दियो। अरे वाह, अब तो सब कुछ मेरा है, अब जिंदगी का मजा आएगा। अरे ये क्या, ये लोग कौन है? अरे तुम अभी तक जिंदा हो? क्यों बच्चे, मैंने तुझे दे दिया ना झटका, तुझे क्या लगा था उस दिन मैं मर गया था? नहीं, मैं तो बच गया था और तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहा था, और आज तुम्हारी बर्बादी का दिन आ चुका है, क्योंकि तू अकेला है। और आज तेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूंगा, क्योंकि आज तेरा भाई नहीं है यहाँ तुझे बचाने के लिए, और वो आएगा भी नहीं। चल अंदर चल। अबे चलो चलो अंदर आ जाओ रे, आज तो मजा आएगा सालों का। पिछली बार तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना बच्चे, अब बोल, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? कहाँ है तेरा भाई? अब मुझे समझ आया, तुम सब मिले हुए हो, तुम लोगों ने प्लान करके मुझे मेरे भाई के खिलाफ ही भड़का दिया और उससे ही लड़वा दिया, पर तुम लोग ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगर मेरे भाई को पता चल गया ना, तो फिर वो तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, तुम सबको फोड़ डालेगा वो। अबे वो पागल का पुत्तर, भूल गया क्या? तूने खुद अपने भाई को घर से निकाल दिया, अब वो लौट के नहीं आने वाला, तुझे कोई नहीं बचा सकता हमारे हाथ से। गलत, अभी तो मारा एंट्री बाकी है ठाकुर। अबे ये क्या जज, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे भाई ने तो निकाल दिया था ना तुझे इस घर से। अबे ना रे ठाकुर, लगता है तूने मारा प्यार नहीं देखा है मारे भाई के लिए। उसने मारे को निकाला नहीं था, मैं तो खुदा ही छोड़ के चला गया था। और अबे मारे भाई के ऊपर अगर तू बंदूक लगाएगा तो हमारा दिमाग तो खराब होगा ही ना। अरे नहीं जज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे यार, मैं दोबारा गांव वालों को परेशान नहीं करूंगा, तेरे और तेरे भाई को राख उठाकर भी नहीं देऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। देख बे ठाकुर, वो क्या है ना, माफी उनको करते हैं जो माफी देने के लायक काम करते हैं, और तूने तुम्हारा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया, तो मैं थारे को माफी नहीं खास ही दूंगा, वो भी AWM की। अरे नहीं जज, तू प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरे गांव वालों के पैसे वापस कर दूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, यहाँ सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, बस मुझे मार मत यार, मुझे जाने दे। अरे जब मरने से इतनी फटती है तो ऐसा काम क्यों करता है? पर मारे को माफ कर दे, मारा उसूल ही ऐसा है, जो मारे से लड़ता है वो साला मरता ही मरता है। जज भाई मुझे मत मारिएगा, मैं तो आपके छोटे भाई के जैसा हूँ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिएगा प्लीज भाई। अरे नहीं रे, जो रिश्ते में दरार डालता है वो भाई नहीं, वो कसाई होता है, और कसाई की कटाई हो जाए तो फिर तो मजा आएगा ना, ले कट। ये बात थारे को मारे भाई को भड़काने से पहले सोचना चाहिए था ना, कि तू भी छोटे भाई जैसा है मारा, गलती हो गई दाऊ थारे से, जो तू मारे से उलझ गया। अब तू भी ठीक से देख ले, इसने कहते हैं भाई भाई का प्यार। सो होपफुली यार गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यार गाइस, स्टोरी बनाने का आपके भाई ने सीरियसली बहुत हार्ड वर्क किया यार गाइस, सोचने तक को बहुत दिमाग चाहिए रहता है यार गाइस, पहले सोचो बनाओ।